हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ वीडियो अबाउट अ डे इन टर्नोपिल। सबसे पहले तो ट्रेन पकड़ के पहुंचो टर्नोपिल। विंटर्स एंड स्पेशली स्नोफॉल शुरू हो चुका है, तो वेदर ज़रूर देख लेना, क्योंकि ज़्यादा स्नोफॉल या इवन बारिश में घूमना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आप कोई भी सिटी जा रहे हो, अगर आपका वहाँ कोई नोन है या कोई फ्रेंड है जो वहाँ पढ़ता है, तो भाई उसको बोलो कि थोड़ा घुमा दे आपको। वो यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में हम लोग अभी हैं और यहाँ से जाएंगे। एंड लुक हु वी मेट। और भाई इंट्रोडक्शन दे दे। अरे नहीं, फेक नहीं, हम लोग मिल लिए इससे। इंट्रोडक्शन ले, मिल चुके हैं। हाँ, तो मेरा नाम हरीश है, मैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ यहाँ पे टर्नोपिल में। हाँ, और भाई आया है मिलने, तो आज इसको घुमाते हैं, यहाँ पे पूरा टर्नोपिल दिखाएंगे। यप, सो लेट्स गो, एंजॉय करते हैं। और साथ में ये भी है, ये तो फर्स्ट ईयर का लड़का है। हाय, मेरा नाम सूरज है, मुंबई से हूँ, अभी टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में आया ना। हाँ, फर्स्ट ईयर में लिया। हाँ, चलो चलो लेट्स गो, दिखाते हैं आपको। हाँ चल ठीक है। यूनिवर्सिटी के जस्ट साइड में ही ये चर्च है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्च ऑफ टर्नोपिल। और जैसा कि अभी आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ वेदर अभी बहुत सही है। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोना डू इज हेड ओवर टू द लेक, जो कि ये यूनिवर्सिटी और सेंटर से बहुत ही नज़दीक है। इन माय ओपिनियन दिस लेक इज अनडाउटेडली द हार्ट ऑफ टर्नोपिल। भाई यहाँ घूमने का क्या है? देखो, सबसे बेस्ट जगह तो आप जैसे रेलवे स्टेशन से आओगे तो सेंटर आता है सबसे पहले। सेंटर के बाद आप सीधा लेक आ जाओ, ये वाला जो लेक पूरा एरिया भी घुमा देंगे आपको। उसके बाद इधर हाइड्रो पार्क है। अच्छा, तो वो काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी है। ओके, उसके बाद आप लोकल मार्केट हो गया, और काफ़ी बहुत सारे चर्च भी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे। एक चर्च तो देखे, अच्छा लगा। देखा ना? अच्छा, तू लवी आया ना? लवी कैसा लगा? लवी बहुत अच्छा है, लेकिन सब चीज़ें लाइक दूर दूर है, बहुत दूर है। टर्नोपिल बड़ा है थोड़ा। हाँ, टर्नोपिल एरिया बहुत छोटा है और हर चीज़ यहाँ पे पास में। अच्छा, वहाँ से मेरे को निकलने में मतलब रेलवे स्टेशन से मैं रेलवे स्टेशन बहुत दूर पड़ जाता है। तो मतलब मेरे को लवी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सुंदर सिटी है, सच में बहुत सुंदर सिटी। चल टर्नोपिल भी थोड़ा घुमा देगा अभी हम लोग को, तो अच्छा लगेगा टर्नोपिल। आज काफ़ी अच्छा मौसम है, कल भाई आया, कल बोले कि चलो बनाते हैं। मैं बोला भाई आज बहुत बारिश हो रही है, आज कुछ नहीं दिखेगा। कल भाई ऐसा सीन, बर्फ प्लस बारिश, मतलब ठंड भी है और उसके बाद बारिश भी हो रहा है और कुछ दिख भी नहीं रहा, कोहरा ही कोहरा भाई। शूट तो कुछ हो ही नहीं सकता है यहाँ आजकल विंटर्स में। मैं रात को 9 बजे यहाँ शूट किया हूँ समर्स के टाइम पे, तो उस समय भी धूप रहता है बहुत, लेकिन अभी विंटर्स में भाई ऐसा है कि 4:30-5 बजे अंधेरा हो जाता है यहाँ, एकदम अपोजिट हो जाता है। समर में 10 बजे तक धूप रहेगा। हाँ, और विंटर में 4-5 बजे पूरा। 4 बजे भाई हम लोग लैंड यहाँ पहुंचे, ट्रेन से उतरे और 1 घंटा के अंदर अंधेरा हो गया था पूरा यहाँ पर। चल अभी वो जगह जा रहे हैं, वहाँ वो क्या है बता एक बार। वो लवर पॉइंट है जो जहाँ पे लौंडिया एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, तो भाई भी लेके आएगा नेक्स्ट टाइम, तो भाई का फिर हम शूट करेंगे। तो अभी चलते हैं। भाई ये बोल रहे हैं कुछ दिन में लेक फ्रीज हो जाएगा, तो अपन इस पे चल भी सकते हैं। हाँ, बीच में जाके मतलब जो यहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं। हाँ, वो बीच में मतलब खड्डा करके मछली पकड़ते हैं यहाँ का बीच में। हाँ, लेक में। हाँ, यहाँ बीच में जाके खड्डा करके मछली पकड़ते हैं, तो काफी अच्छा होता है। फर्स्ट ईयर में मतलब अभी टाइम लगेगा फ्रीज होने में, क्योंकि अभी टेम्परेचर इतना है नहीं। हाँ, तो क्रिसमस के बाद ऑलमोस्ट जम जाएगा, तब आना भाई। और अच्छा, तब मछली पकड़ेंगे बीच में। देखो थोड़ा बहुत जम गया है, थोड़ा बहुत बचा है, बाकी सब जम गया। ऊपर जो लेयर होती है वो जम चुका है। अभी टेम्परेचर -2-3 होगा ना मैक्सिमम भाई, अभी 0 टेम्परेचर भी यहाँ पर। ये पूरा ये लेक, वो बड़ा वाला से तो नहीं, ये अलग है, ये छोटा सा लेक है, ये हो गया भाई फ्रीज हो गया, उसको टाइम लगेगा थोड़ा अभी। और जैसा कि अभी बोला, आप यहाँ मछली भी पकड़ सकते हो या फिर फोटोशूट्स भी करा सकते हो, क्योंकि दिस प्लेस इज परफेक्ट फॉर फोटोशूट्स। थोड़ा सा आगे वॉक करने पे वी हैव रीच्ड, ये है लवर्स पॉइंट टर्नोपिल में। सो हरीश का कहना ये है कि अगर यहाँ किसी को प्रपोजल वगैरह करना होता है तो वो यहाँ आते हैं, यहाँ करते हैं, या अगर किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है इंडियंस में, जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहा है, तो वो यहाँ आते हैं और करते हैं। सो हम जाएंगे अभी लवर्स पॉइंट
यहाँ पर, लेट्स गो। तो यहाँ एकदम भाई का फोटो लेने वाले हैं, मस्त वाला। अकेले का? अकेले का लेंगे, अभी अकेले हैं, बाद में वेट करो थोड़ा। यहाँ से फिर वॉक करके जाओ सेंटर, जो कि अभी क्रिसमस के कारण बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ का ओपेरा हाउस है एंड ये बेसिकली यहाँ का सेंटर है। जैसे लवीव में भी सेंटर में ही प्रॉपर ओपेरा है, तू लवीव आया है तो सेंटर में है ना ओपेरा। तो और अभी यहाँ पर ये क्रिसमस के लिए पूरा यहाँ ट्री वगैरह लगा के रखा है, तो होपफुली ये रात को अच्छा लगता है ना। बहुत अच्छा लगता है, रात को अच्छा लगता है। ठीक है, ये जो छोटा छोटा मार्केट्स है ये बेसिकली अभी विंटर के टाइम पे ही लगता है ना, ये स्पेशल होता है इनका यहाँ पे। हाँ, क्रिसमस टाइम होता है तब ये लगता है, क्रिसमस के लिए। हाँ, तब भी लगता है। ये चॉकलेट्स का है, ये चीज बटर वगैरह का है, तो ऐसी है ये। अभी बहुत सारा खुला भी नहीं है, रात को सब खुल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ चॉकलेट्स का बहुत है। बातें कर लो यार। और आंटी कैसी हो? बहुत मुस्कुरा रहे हो आप। हमेशा मुस्कुराती रहती है। हाँ, हमेशा मुस्कुराती रहती है। चल। जैसे मैंने हर वीडियोस में बोला है, फ्रिज मैग्नेट ज़रूर उठा लेना। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ये लूँगा, ये 35 का है और बाकी और बाकी ऊपर का महंगा है यार, यहाँ महंगा लग रहा है। सेंटर में लेते तो महंगा पड़ता है थोड़ा, तो अभी एक ये लेते हैं अपन। और ऊपर ये सब भी है प्रॉपर, ये टर्नोपिल का है पूरा यहाँ पर। टर्नोपिल इज रिटन इन यूक्रेनियन हियर। अब भाई देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, विंटर्स के टाइम पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, 4:30 तक तो हो ही जाता है। एंड उसके बाद ये प्लेस और भी प्यारा लग रहा था। ये सारा डेकोरेशन अभी क्रिसमस एंड न्यू ईयर के लिए ही किया गया है।